इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। परम श्रद्धेया स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी जब विदा हुई अकारण असमय में, तो कांग्रेस में बवाल शुरू हो गया कि किसको सत्ता पर बिठाया जाए कि प्रजा शांत हो जाए। तब परम आदरणीय राजीव गांधी जी को बिठाया गया। राजीव गांधी जी बड़े मुक्त भावी थे, उनको पॉलिटिक्स में रुचि ही नहीं थी। प्रजा शांत हो, क्यों? जो गया है उसी का ब्लड अब शासन पर आ गया, प्रजा शांत हो। कोई कारण नहीं, वो तो विदेश में थे, स्वदेश में थे भी नहीं। ये क्या है, हम जो कर रहे हैं उसकी एक परंपरा है। सुग्रीव को भगवान ने राज दीन सुग्रीव कह अंगद कह युवराज। ये क्यों किया भगवान ने कि आपके बाद आपका पुत्र नहीं गादी पर बैठेगा, बाली के पुत्र युवराज अंगद ही राज सत्ता पर बैठेगा। भगवान की करुणा किस पर कब बरस जाए? मैं बार बार यही आपसे कहूंगा, नव दिन कहूंगा, मैं कथा गा रहा हूं, कौन गा रहा है? भगवान गा रहे हैं। जीव के बस का है, इतना लिखा है, इतना लिखा है, क्या गाओगे तुम? अब तुम गाओगे कैसे? वो गवाएंगे जेहि पर कृपा करें ही जनु जानी कभी उर अजीर न चावही। भगवान गवाएंगे तभी तुम गा सकते हो, भगवान सुनने देंगे तभी सुन सकते हो। नहीं तो आप कथा में बैठे रहेंगे और कमर में इतना तेज दर्द होगा कि पूरा मन कमर पर लगा रहेगा। अरे दैया दैया, कथा में बैठ के भी आप कथा नहीं सुन सकते हैं। कथा गवा रहे हैं प्रभु, कथा सुना रहे हैं प्रभु, कथा करा रहे हैं प्रभु, और हम तीनों क्या कर रहे हैं? अभिमान कर रहे हैं। हम गा रहे हैं, गवाने वाला हम गवा रहे हैं, सुनने वाला हम सुन रहे हैं, और तीनों झूठ। न हम गा रहे हैं, न गवाने वाला गवा रहा है, न सुनने वाला सुन रहा है, तीनों में जेहि पर कृपा करहिं जनु जानी तकबी बुर अजीर मेरे प्रभु। जिसको अपना मान लेते हैं, जन माने भगवान का, उसके हृदय में अपनी वाणी नचाने लगते हैं। सारदार नारी सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर्या, हम आप भक्त हैं, इसी शरण में रहिए, असरण शरण में रहिए। जिसका कोई नहीं है उसकी के भगवान है। तो हम मान ले कि हमारा कोई नहीं, किसी को बताएं नहीं कि हमारा कोई नहीं है, मान लेना है कि हमारा कोई नहीं। आपको आश्चर्य होगा, आपके घर में आपके मन से कौन कौन चल रहा है, जब आप सूची बनाएंगे तो अकेले आप अपना नाम लिख पाएंगे, अपने बच्चों का भी नाम ना लिख पाओगे। भाई कोई बुरा नहीं लगाएगा, ये तो कथा कहती है, प्रेमभूषण नहीं कहता है, ये कथा कहती है। हम यदि सूची बनाएंगे, हम टेलिंग अबाउट प्रेमभूषण, तो भी अकेला ही नाम आएगा। घर वाले यही कहते हैं, न जाने आप हमारे मन की कब सोचेंगे। अरे हम किसी के मन की क्यों सोचे, हर व्यक्ति अपने मन की सोचे है, यह जानकर नहीं, यह मानकर कि यह मन हमारा आया है, मन ही साथ जाएगा, इसलिए मन को कहां रखना है? तुलसीदास सठ ते ही भजू छाड़ी कपट जन जाल।
कथा सुनते, कथा गाते, कथा गवाते, मंदिर आते, मंदिर जाते, तीर्थ करते, दान करते, हमारा मन जब सन्मार्ग पर चलेगा, सत्संग में रमेगा, तो अभी और तभी जाने के बाद भी मन सात्विक बोध में खड़ा रहेगा। हमको जही पर कृपा करें जनु जानी, कभी उर अजीर नचावहीं बानी। याज्ञवल्क जी महाराज से भरद्वाज जी ने जो प्रश्न किया, राम जी कौन है, तो बताना बाद में पड़ता है, समझना पहले पड़ता है। भगवान शिव ने माँ सती जी के साथ में जाकर अगस्त जी महाराज के यहाँ कथा सुनी। वापस आते समय सती अम्बा ने भगवान का दंडकारण्य लीला प्रसंग दर्शन किया, भ्रम हो गया। बाबा ने बहुत समझाया, माँ के समझ में नहीं आया। परिणामतः सती अम्बा ने जाकर भगवान की परीक्षा ले लिया। और परीक्षा लेते समय सती कीन सीता कर वेशा, इस कारण भगवान ने मन से त्याग कर दिया। अरे प्रेम और त्याग मित्रों मन से होता है। यदि मन में प्रेम नहीं है तो तन में बसेगा ही नहीं। प्रेम और त्याग दोनों का मन से होता है। बाबा ने त्याग दिया। कठोर साधना में शिवजी 87,000 वर्ष तक बैठे रहे। सती अम्बा सेवा में थी। जब 87,000 वर्ष समाधि से वापस आए, राम नाम का स्मरण हुआ, परिणाम सती अम्बा ने जाकर प्रणाम किया। दक्ष प्रजापति ने शिव बाबा के निरादर हेतु एक अनुष्ठान बना रखा है। सती जी ने पूछा, ये देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? शिव बाबा बोले, आपके पिताजी यज्ञ ठाने हैं, सब लोग वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, हम लोग? बोले, हमको तो बुलाया नहीं, मेरे कारण आपको भी नहीं बुलाया। पिता का घर है, बुलाना न बुलाना, इतनी व्यस्तता है, भूल गए होंगे। आपकी आज्ञा हो तो मैं चले जाऊं। बाबा ने कहा, उचित तो नहीं है, लेकिन आप जाएंगी मानेंगी है नहीं। देखो, आप अपने श्रेष्ठ के द्वारा समझाई गई बात को मानना चाहिए, और उससे पहले यह भी मानना चाहिए कि हमसे भी कोई श्रेष्ठ है। जब तक हम अपने से श्रेष्ठ नहीं मानेंगे तो श्रेष्ठ की बात कैसे मानेंगे। सती जी मानी नहीं गई, शिव जी का निरादर देखकर योगाग्नि में प्रवेश कर गई। अरे, योगाग्नि में प्रवेश तो कर गई, लेकिन जाते जाते माने एक बड़ी सुंदर मंत्र भावी भगवान के चरणों में समर्पित किया। क्या? सती मरत हरिशन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद तेहि कारण हिम गिर गृह जाय, जननी पार पति तनु पार, जननी पार पति तनु पार, जननी पार पति तनु पार। माँ भगवती पार्वती जी के रूप में सती अम्बा ने जन्म लिया। एक बार बोलिए, पार्वती मैया की जय। नारद जी को ब्रह्मा जी ने भेजा, पार्वती मैया का नामकरण किए, वर घर कैसा मिलेगा ये सब बताए बिचारे। और अंत में कह दिए, यद्यपि वर अनेक जग माही, एही कह शिव तजी दूसर नहीं। इनको तो शिव जी ही है। क्यों? शंभु सहज समरथ भगवान। देखिए, सुखी होने का एक ब्रह्म भाष्य है। आदमी के दुखी होने का कारण क्या है? जहां है वहां असंतोष में रहता है। आज जहां नहीं जा पा रहा है वहां के सुख का स्मरण करके जहां है वहां रोता रहता है। मनुष्य के दुख का कारण यही है। अब ये साथी लोग मेरे साथ हैं, सोच रहे हैं कि हम उनके साथ होते तो बढ़िया बढ़िया मालपुआ मिलता।
इनके साथ तो सूखा पराठा सरसों का साग मिलता है। नहीं, जहां हैं वहां प्रसन्नता, यही आनंद का प्रसंग है। घर में भी रहिए, अरे मेरे घर से सुंदर किसी का घर नहीं, मेरे बच्चों भाई बंधुओं से अच्छा किसी का परिवार नहीं। हम अपने में दोष देखते हैं, अपना दुख स्मरण करते हैं और दूसरे का सुख जो दिखाई सुनाई नहीं पड़ता उसका स्मरण करके अपने सुख को भी समाप्त कर लेते। ठीक बात है। पार्वती मैया ने कठोर तप किया सप्तऋषियों के आगमन तक। आकाशवाणी ने प्रशंसा किया, ओ कहां मिले हैं तुम्हें है जब सप्तऋषिशा, तब जाने हो प्रमाण बागीसा। मां पार्वती जी का चरित्र पूर्ण हुआ। भगवान शिव जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भय विराग, जपहि सदा रघुनायक नाम, जहाँ तहाँ सुनहि राम। बहुत काल बीता, अरे कितना दौड़ेंगे आप। एक बार शिव बाबा शांत होकर बैठे है, भगवान में रम गए। नेम प्रेम शंकर कर, अब चलो हृदय भक्ति के, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शील निज तेज विशाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शील निज तेज विशाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, मेरे कृतज्ञ परमात्मा प्रगट। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निजने जाई विवाह हो शैल जई, यह मोहि मांगे। भगवान शिव ने कहा, उचित तो नहीं है लेकिन आप मेरे प्रभु हैं, सिर धरिया यसु करिए। क्यों? माँ तो पिता गुरु प्रभु कहे बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ, आज्ञा मानी जाए। जो हमारी सब प्रकार से चिंता करता है उसके चिंतन का आदर किया जाए, बहुत सारी समस्याओं से हम बच जाएंगे। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।